सर्दियां शुरू हो चुकी है और ऐसे में गाजर का हलवा तो बनाना बनता ही है। तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी गाजर का हलवा की रेसिपी। वैसे तो इसे बनाने के अनेकों तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से गाजर का हलवा अपने घर पे बनाते हैं तो बाकी के आप सारे तरीके भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लें ताकि मेरे जितने भी न्यू रेसिपीज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर लिए हैं, जिसे कि मैंने पानी से काफ़ी अच्छे से धो लिए थे। और धोने के बाद इसे हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। इसके बाद हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी मोटे तल वाला एक कढ़ाई गर्म करेंगे, और जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और जब ये हल्का हल्का गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम, और इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ड्राई फ्रूट जो है वो जले नहीं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिर्फ काजू या फिर सिर्फ बादाम, या फिर आपको जो भी पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो अवेलेबल हो वो यूज़ कर ले। जैसे ही ड्राई काजू और बादाम जो हल्का हल्का सा फ्राई हो कि इसके जो कलर है वो चेंज होने लगे, तो इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा किशमिश। और फ्लेम को यहाँ पे हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, और लगातार चलाते हुए इसे हम कुछ सेकंड के लिए और फ्राई कर लेंगे जब तक कि किशमिश जो है वो फूलना ना स्टार्ट हो जाए। थोड़ी देर में ही किशमिश जो है वो फूलना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि एक एक करके सारे किशमिश फूलने लगे हैं। तो इस स्टेज पर फ्लेम को हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग निकाल कर रख लेंगे। इससे ज़्यादा किशमिश को हम बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो किशमिश जो है वो फ्राई होने के बाद कड़वा हो जाता है। तो इसका आप ज़रूर से ध्यान रखें। और सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके हलवे में ऐड करने से टेस्ट जो बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके ही हलवा में डालें। इसे हम साइड में रखेंगे, और जब ये हल्के से ठंडे हो जाए तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर हलवा में एंड में ऐड करेंगे। फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा और देसी घी। घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे हलवा में घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जब ये हल्का हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए गाजर को। फ्लेम को यहाँ पे हाई रहने देंगे, और एक बार गाजर को घी में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसे हम बीच बीच में चलाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट के लिए गाजर को घी में अच्छे से भुनेंगे ताकि गाजर का हलवा जो है वो बहुत ही टेस्टी बने। जैसे जैसे गाजर घी में भुनना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे इसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और साथ ही साथ आपको इसमें हल्के हल्के से पानी दिखने लगेंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल हाई रहने देंगे, और बीच बीच में इसी तरीके से चलाते हुए इसे हम अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इसमें से पूरी तरह से पानी जो वो सूख ना जाए। गाजर को भूनते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 12 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं कि गाजर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये पूरी तरह से सूख चुका है और गाजर भी काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। तो इस स्टेज पे इसमें हम ऐड करेंगे दूध। यहाँ पे मैंने इसमें लगभग 300 ग्राम दूध डाले हैं। दूध को हम पहले से ही बॉयल करके रखेंगे, वो डालेंगे। एक बार अच्छे से गाजर में इसे मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद किसी भी ढक्कन से इसे ढक देंगे, और ढक कर मीडियम फ्लेम पे इसे हम लगभग 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हम 1 से 2 बार इसे चेक भी कर लेंगे, और चेक करके इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि गाजर का हलवा जो है वो नीचे से जले नहीं। गाजर को पकाते हुए मुझे यहाँ पर लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के से दूध अभी बचे हुए हैं, और गाजर भी अभी थोड़ा सा और पकेगा। तो इसे हम एक बार अच्छे से चला लेने के बाद फिर से इसे ढक देंगे, और ढक कर इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। हलवा को पकाते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 15 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हैं कि हलवा जो है वो अच्छे से पक चुका है, और इसमें दूध जो है वो बहुत ही कम बचे हैं। तो इस स्टेज पर फ्लेम को हम हाई कर देंगे, और इसे बिल्कुल लगातार चलाएँगे, और लगातार चलाते हुए हम पूरे दूध को सूखने देंगे जब तक कि दूध जो है वो पूरी तरह से सूख ना जाए।
5 से 6 मिनट में ही दूध जो है वो पूरी तरह से हलवे में से सूख चुका है। आप देख सकते हैं कि किनारों में बिल्कुल भी दूध नहीं दिख रहे हैं। तो इस स्टेज पे इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 100 ग्राम शुगर। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच और डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 100 ग्राम मावा। ये मावा मैंने होममेड यूज़ किए हैं और इसकी जो रेसिपी है वो मैंने आप सभी के साथ पहले भी शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप ये मावा हलवे में ज़रूर से डालें, इससे टेस्ट जो है वो हलवे की बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच सूखा हुआ नारियल, जिसे कि मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, और फ्लेम को यहाँ पे हाई रहने देंगे और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही चीनी जो है वो हलवे में मेल्ट होना स्टार्ट होगा, हलवे की जो कंसिस्टेंसी है वो फिर से लूज़ हो जाएगी, मीन्स वो पतली होने लगेगी। तो फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे हम इसी तरीके से चलाते हुए फिर से इसे पूरी तरह से ड्राई होने देंगे, जब तक कि हलवा जो है वो पूरी तरह से सूख ना जाए। जैसे जैसे ये जो हलवा है वो चीनी के साथ भुनना स्टार्ट होगा, हलवे का जो कलर है वो चेंज होकर काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। तो फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि हलवा जो है वो जल्दी से जल्दी चीनी के साथ भुनकर वो ड्राई हो जाए। 5 से 6 मिनट में ही हलवा जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को, जिसे कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, जिससे कि हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। फ्लेम को हाई रहने देंगे और एक बार इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसे हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और भुनेंगे, ताकि हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आए, क्योंकि हलवा को जितना भुनेंगे उसका जो टेस्ट है वो उतना ही अच्छा आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके किनारों पर आपको बिल्कुल भी पानी या फिर दूध नहीं दिख रहे हैं। इसी तरीके से इसे हम लगातार चलाते हुए बस 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब ये सुपर टेस्टी गाजर का हलवा पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। इसके जो कलर है वो भी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से आप इसे उठाएंगे नीचे से तो वो आपको चेंज होता दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्दियों में ये जो गाजर का हलवा है वो गर्मा गर्म खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें, ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप इसे फ्रिज में लगभग 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप इसे फ्रिज के बाहर रखते हैं तो आप इसे लगभग 5 से 6 दिन के लिए आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।